अच्छा बताओ, मेरे लव प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? सब कुछ जानकर लव करने वालों में से मैं नहीं हूँ। यहाँ पर पसंद आ गई तो बस प्यार तो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बताओ, तुम लोग को पहली बार देखकर ही किसी से प्यार हो जाता है? मैडम, ये कोई हॉस्पिटल में नंबर निकालने वाला कोई क्यों नहीं है, ये लव है। प्यार के मोहल्ले में सरप्राइज अटैक करने वाला स्वीट एनिमी है ये लव। ये लड़के पहले लव को स्वीट बोलते हैं और फिर च्युइंगम जैसे चबाकर फेंक देते हैं। तुम लड़के लड़कियों से सिर्फ काम निकालना जानते हैं। हेलो मैडम, आप अपनी बात वापस ले लो। आप लड़कियों का प्यार तो कुछ ही पल के लिए होता है, लेकिन हमारा प्यार मरते दम तक होता है। हाँ, समझ लेना इस बात को। तुम ना ज्यादा उड़ो मत, तुम्हारा प्यार आखिर तक नहीं रहेगा, अगली अच्छी लड़की दिखने तक ही रहेगा ये। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। चाहे कितना भी स्टंट करने वाली लड़की आने दो, लेकिन मैं स्टंट नहीं करता। हाँ, क्या बोलता है? कार्तिक वेणुगोपाल स्वामी कहाँ रहते हैं, बता सकते हैं क्या? सॉरी, फर्स्ट राइट, सेकंड लेफ्ट। थैंक यू। क्या हुआ, बहुत मस्त दिख रही है ना? सर, बहुत सही लग रही है। सर, तो फिर उसे ही पटा लो। सर, सर, ऑलरेडी पटा है ना, और कितना पटाऊं? व्हाट? अब तुम्हारे साथ पहला प्यार हुआ है ना, तो तुम्हें हार्ट में जगह दे दी है ना, तो फिर से और एक बार पटाऊंगा तो ऐसा। ओह जस्ट शट अप, तुम उस लड़की को कैसे मुंह फाड़ कर देख रहे थे, मैंने देखा है। अरे हम ताजमहल को देखते हैं, वो कितना सुंदर है तो उसे टकाटक देखते रहते हैं, लेकिन उसे कभी चुरा तो नहीं सकते है ना। बस यही, हमारे घर में हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जरा समझो मुझे, प्यार करो ना मुझसे। नेवर। सर, ये लड़की कितना भाव खा रही है, आप इसे क्यों सता रहे हैं? ऐसे सताने से प्यार बढ़ता है और आयु भी बढ़ती है। आजकल के नौजवानों ने कानून के खिलाफ ड्रग्स लेकर उसका धंधा करने का ट्रेंड बना लिया है, ये सब आपको समझना चाहिए। हेलो मिस्टर, पी कार्स में ट्रैफिक जाम क्यों किया तुमने? पुलिस होकर भी आप पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा मकसद नहीं है, वो क्या है ना, आप सब लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए हो और बस इतना ही सोच रहे हो, और मैं ड्रग्स का धंधा करने वालों को कैसे ढूंढू यही सोच रहा हूँ। इसका मतलब रोड के बीच में खड़ा होकर दो चार लोगों को भाषण दोगे तो सब ठीक हो जाएगा क्या? शायद तो हो सकता है, ऐसा मेरे चार लोगों के बीच कहने से वो लोग भी और दो लोगों को कहेंगे। इट्स टाइम टू वेक अप। आपको कोई ड्रग्स बेचने वाला मिल जाए तो उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दीजिए, या फिर कहीं भी ड्रग्स का धंधा करते हुए कोई दिखा तो इमीडिएटली पुलिस को कॉल कीजिए। यह सिर्फ पुलिस का करने वाला काम नहीं है, इसमें पब्लिक कोऑपरेशन की भी जरूरत है। हम सब लोग मिलकर ही कदम उठाएंगे तो खूब जमेगा रंग। यस, थैंक यू। विक्रम, मुबारक हो, चारों तरफ तुम ही छाए हुए हो। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाता अंकल। मेरे सपोर्ट से ज्यादा तुम्हारी मेहनत है विक्रम। एक मिनट, प्रताप मिश्रा से बात करो। हेलो मिस्टर दूसरा कोहिनूर हीरा। हेलो सर। प्रोग्रेस के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विक्रम की प्रोग्रेस देख के मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। क्यों? अरमान और आराध्या के केस को मैं सॉल्व नहीं कर पाया ना। कुछ केस सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। सर, पूरी फैमिली खत्म हो गई, अगर वो क्रिमिनल एक बार मेरे हाथ लग जाए
तो उसे जेल में डाल के चमड़ी उधेड़ दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। अरे अरे, आफ्टर ऑल एक सिक्के के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो? आफ्टर ऑल प्लीज एक्सक्यूज मी सर, आपके पास एक रुपए का कॉइन है तो जरा दीजिए। क्या? प्लीज सर दीजिए ना। इसे आपने इतना सोच कर दिया, मतलब इस कॉइन को कमाने में आपने बहुत मेहनत की होगी, है ना सर? वो क्या है ना सर, खर्च करना बहुत आसान होता है पर कमाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बिना 5 रुपए के कलम से हम चेक पे साइन नहीं कर सकते ना, उसी तरह जिंदगी में एक एक रुपए की बहुत कीमत होती है सर। एक एक रुपए की अपनी वैल्यू होती है सर। आई लव मनी। सॉरी सर, गलत कहा हो तो बुरा मत मानिएगा। तुमने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। चलो अब चलते हैं। ये लीजिए सर। एंगेजमेंट कब करेंगे? ए, पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ? मुझे ये प्यार व्यार ना पसंद नहीं है, घर वाले जैसे कहेंगे उससे शादी करूंगी। वाओ, एक बात कहूं क्या, समय के साथ साथ अपने को भी बदलना चाहिए। पहले तो डेट देख कर शादी करते थे, आजकल तो डेटिंग करके ही शादी कर लेते हैं, ये तो आजकल का जमाना है ना। ए सुनो, आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा नहीं कहूंगी। मेरे थॉट्स और मेरे रूल्स अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं, हमारे मिलने का चांस ही नहीं है। अरे दोनों का टेस्ट अगर एक ही हो तो उसमें क्या मजा है? अलग अलग टेस्ट वाले होंगे तब मजा अलग आता है, उसे ही तो कहते हैं ट्रू लव। सॉरी, ड्यूटी कॉल। हेलो साहब, राजा टोनी सब यहाँ आने वाले हैं। पक्का ना? पक्का इन्फॉर्मेशन है साहब। काम की वजह से जरा अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। तुम एक काम करो ना, एंगेजमेंट के बारे में सोच लो, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाऊंगा और फिर गले में मंगलसूत्र बांध दूंगा। ओके बाय। पागल है क्या ये? ये क्या नौटंकी कहीं का? तो तू है ट्रक डीलर? अभी बताता हूँ। लगता है मुझसे मिलने के लिए तिरुपति बालाजी जाकर मुंडन करवा कर आए हो। सही कहा बॉस। हेलो, आई एम टोनी। आई एम जॉनी। ही स्टीफन। स्टीफन? नो टिफन, ही स्टीफन। स्टीफन? अबे ये कौन है जिसने नाश्ता करके अपना नाम टिफिन रख लिया है? यू डोंट नो इंग्लिश और शिट। हेलो, यू डोंट नो हिंदी? थू साले। ये क्या हो रहा है सर, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसने इंग्लिश में शिट कहा तो तू चुपचाप सुनता रहा, मैंने साले कहा तो तेरा मुंह खुल गया।